हाई एवरीवन दिस ऑज दीपिका वेलकम बैक आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे एक बार फिर से स्वागत है स्टडी विथ कंफर्ट में आज के सेशन में हम लोग थ्यूरीज ऑफ सवरानिटी में पहली थ्यूरी को कवर करने की कोशिश करेंगे जो है मोनिस्टिक थ्यूरी ऑफ सवरानिटी ओके okay, सो so, बेसिकली uh, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मोनिस्टिक थ्यूरी और इसमें से जॉन ऑस्टिन एंड थॉमस हॉब्स जैसे जो स्कॉलर्स हैं इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्या रहा है और इनके पर्टिकुलर क्रिटिसिज्म क्या हैं ये भी हम डिस्कस करेंगे कि, कि किस तरीके से आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सुप्रानेशनल एक्टर्स इमर्ज होते हैं राइट right? या फेडरल थ्योरी ऑफ गवर्नमेंट पॉपुलर होती है तो ऐसी सिचुएशन में किस तरीके से मोनिस्टिक थ्योरी आउटडेटेड हो जाती है और जॉन ऑस्टिन एंड थॉमस हॉब्स के जो कॉन्सेप्ट थे सव्रैनिटी को लेकर उन्हें क्रिटिसाइज़ किया जाता है स्पेशली लास्की के द्वारा इन सारे क्रिटिसिजम्स को भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर रहेगा आज का ये बेसिक इंट्रोडक्शन अगर हम देखें मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरानिटी का तो मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरानिटी बेसिकली हॉब्स एंड जॉन ऑस्टिन इस थ्योरी के ग्रेटेस्ट uh, यू कैन से दैट कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं जो जिन्होंने इस थ्यूरी को डेवलप किया स्पेशली और यहाँ पर ये बात करते हैं कि जो पावर है ओके okay, जो सव्रीन अथॉरिटी है उसकी पावर अनलिमिटेड है एंड इनडिविजिबल है मतलब कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता अन है डिवाइड या किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती है इस तरीके की ये बात करते हैं ओके okay? तो आइए हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कोर टेनेंट्स के बारे में या कोर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जो मोनिस्टिक थ्योरी को डिफाइन करती हैं पहला है यूनिट्री एंड इंडिविजिबल मॉनिस्टिक थ्योरी कहती है कि जो सवरे अब देखो मैं यहाँ पे सवरेनिटी को नहीं डिसाइड कर एक्सप्लेन करने जा रही हूँ आई होप कि आप यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी है वो पढ़कर आए होंगे थ्योरीज पढ़ने के लिए अगर आपने नहीं पढ़ी है तो मैंने एक सेपरेट लेक्चर बनाया हुआ है इस पर कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी पे आप जाकर इसको देख सकते हो जहाँ पर मैंने मीनिंग और इसकी डेफिनेशंस ये सारी चीज़ें ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस कर दी है तो अभी मैं ये मानकर चल रही हूँ कि आपको सवरेनिटी की बेसिक मीनिंग और अंडरस्टैंडिंग है डेफिनेशन की तो मैं यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रही हूँ ओके okay? मैं यहाँ पर सीधे जो मोनेस्टिक थ्यूरी है उसको डिटेल में एक्सप्लेन करूँगी ओके okay, तो आपने अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए आपको पोलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड या पोलिटिकल साइंस के बहुत सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे हम लोगों ने सेपरेट प्ले बना रखी है जैसे कि आई की कंपेरेटिव पॉलिटिक्स की वेस्टर्न पोलिटिकल थाट इंडियन पोलिटिकल थाट की आई की हो गई तो आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग एक्सप्लोर कर सकते हो ओके okay? आइए हम देखते हैं कोर्ट एनिट्स हम पढ़ रहे थे कैरेक्टरिस्टिक या फीचर्स ऑफ द मोनेस्टिक थ्योरी जिसमें पहला है यूनिटरी एंड इंडिविजिबल मोनेस्टिक थ्योरी कहती है कि जो सव्रानिटी है या जो सुप्रीम पावर है वो यूनिटरी है एंड इंडिविजिबल है मतलब एक तरीके से यूनिटरी कैसे हो गई कि भाई ऊपर सुप्रीम पावर या अथॉरिटी बैठी है नीचे जनरल पब्लिक है जो सिटीजन्स हैं एक पॉलिटिकल कम्युनिटी के या जो लोग हैं उस सोसाइटी के ओके तो ये सिर्फ ये इनको डायरेक्शन देगा ना कि सिटीज़न्स इनको डायरेक्शन देंगे गेटिंग इट तो एक सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है और इनडिविजिबल है किसी और एसोसिएशंस या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं स्टेट में या और जो दूसरे लोग हैं इन किसी स्टेट या पॉलिटिकल कम्युनिटी के अंदर उनके साथ शेयर नहीं हो सकती है ये सुप्रीम पावर गेटिंग इट तो सवरिटी किसके पास है सिर्फ एक पर्सन एक जो एक इंडिविजल या एक अथॉरिटी या ग्रुप ऑफ पर्सन है जो वो उसके पास है ऑब्सल्यूट एंड अनलिमिटेड तो ये जो सुप्रीम पावर है या जो सुवरानिटी है ये ऑप्सल्यूट है अनलिमिटेड है किसी अदर लॉ या इंस्टीट्यूशंस के द्वारा इसे बाउंड नहीं किया जा सकता है मतलब लिमिट नहीं किया जा सकता है इसे एंड यही सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म बनेगा मोनेस्टिक थ्योरी का राइट right? अनलिमिटेड एंड ऑप्सल्यूट है जो मर्जी कमांड इशू किए जा सकते हैं जैसी मर्जी वैसे लॉ बना सकता है सुप्रीम पावर उसकी सुप्रीम अथॉरिटी है ओके परमानेंट एंड एक्सक्लूसिव एक्सक्लूसिव मतलब सिर्फ इसी पर्सन के पास है और किसी के साथ शेयर तो की नहीं जा रही है ये इसी एक सिंगल अथॉरिटी या ग्रुप ऑफ अथॉरिटी के पास ये ग्रुप ऑफ पीपल्स के पास है ये सुप्रीम पावर ओके okay? ये इसको परमानेंट है ये ट्रांसफर नहीं होती है कि एक पर्सन गया तो सवरिटी चली गई उस अथॉरिटी की सवरीन पावर है सुप्रीम पावर है एंड दिस इज परमानेंट सोर्स ऑफ लॉ है तो जब हम मोनिस्टिक uh, थ्योरी को पढ़ते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से जो थ्योरीज ऑफ लॉ थी ना या थ्योरी ऑफ लॉ है उसको एक बेस बनाने के लिए इस तरीके की मोनिस्टिक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया गया कि किस तरीके से जो सव्रिन है वो लॉज को क्रिएट करता है फॉर्मुलेट करता है इन्फोर्स करता है और जो भी पर्सन इन लॉज को वॉलेट करते हैं ब्रेक करते हैं उनको पनिशमेंट दिया जाता है तो इस तरीके से सोर्स ऑफ लॉ बेसिकली जब हम ऑस्टिन की थ्योरी पढ़ते हैं मोनिस्टिक थ्योरी में तो उसमें ऑस्टिन का व्यू जनरली उनके लॉ से ही रिलेटेड है तो ये दिस इज द सिंगल सोर्स ऑफ लॉ जो सवरिन पावर है तो दीज आर द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मोनिस्टिक थ्योरी गॉट इट अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा हम हॉब्स का पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं इसके बाद हम जॉन ऑस्टिन को डिटेल में पढ़ेंगे ओके okay? हॉब्स कहते हैं कि ओनली स्टेट इज सवरिन स्टेट के पास ही ये सुप्रीम पावर है आपने थॉमस हॉब्स जॉन लॉक एंड रूसो को सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा होगा तो आपने देखा था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में क्या होता है लोग आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि एक हम अथॉरिटी एक एक हम स्टेट इस्टेब्लिश करेंगे सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के माध्यम से लोगों ने कहा कि हम आपस में कॉन्ट्रैक्ट करते हैं समझौता करते हैं और एक स्टेट क्रिएट करते हैं इस्टेब्लिश करते हैं हम अपने कुछ राइट्स गिवअप करेंगे इस अथॉरिटी जो ये हम स्टेट बना रहे हैं उसके बदले में ये स्टेट हमारे हमको प्रोटेक्शन देगा हमारी सेफ गार्ड और करेगा ओके okay, हमें प्रोटेक्ट करेगा और सोसाइटी में एक सोशल ऑर्डर इस्टेब्लिश करेगा अनारकी को ख़त्म करेगा जिस तरीके का वॉर एंड सिचुएशन थी थोड़ा सा पीस इस्टेब्लिश होगा वहाँ पे ओके okay, तो यहाँ पर हॉब्स के उसमें आप पढ़ेंगे तो हॉब्स कहते हैं कि जो ये स्टेट है ना दिस इज सवरिन जो ये स्टेट इस्टेब्लिश किया गया आफ्टर सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये स्टेट सवरिन है मतलब दिस इज सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी ये स्टेट क्या है सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी फर्दर आप इसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कैसे अकॉर्डिंग टू हॉब्स सवरिन क्या है दिस इज एक ऐसी अथॉरिटी है जिसपे पूरी पावर या अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है कहाँ पर स्टेट पे इस इंस्टीट्यूशन पे जिसको लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू बनाया और ये जो सवरिन है जो सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है जिस पे सारी अथॉरिटी कॉन्सेंट्रेटेड है ये ऑप्सल्यूट है मतलब जो भी कमांड जो भी इंस्ट्रक्शंस या जो भी लॉ बनाए जाएंगे इस अथॉरिटी के द्वारा जो स्टेट है उसके द्वारा वो लोगों को एक्सेप्ट करने पड़ेंगे तो ये क्या होगी ऑप्सल्यूट हो गई अब हम आ जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोनिस्टिक uh, थ्योरी को डेवलप करने पे कंट्रीब्यूट किया है वो है जॉन ऑस्टिन सो जॉन ऑस्टिन का जो सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो एक लीगल कॉन्सेप्ट है जैसे हमने थॉमस uh, हॉब्स का देखा कि इनका जो सवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है वो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी से रिलेटेड है कि ओरिजन ऑफ द स्टेट कैसे हुआ या स्टेट एग्जिस्टेंस में कैसे आना उसी तरीके से जो जॉन ऑस्टिन का कॉन्सेप्ट ऑफ सवरानिटी है जो मॉनिस्टिक थ्योरी है वो लीगल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है कि लॉ कैसे बनाए जाते हैं लॉ को इन्फोर्स कैसे किया जाता है इम्प्लीमेंट कैसे किया जाता है तो जो नेचर ऑफ़ लॉ को लेकर व्यू है जॉन ऑस्टिन का उसी को उसी पे बेस्ड है इनकी मॉनिस्टिक थ्योरी ऑफ सवरानिटी तो सवरानिटी इज़ अ पावर ऑफ डिटरमाइंड ह्यूमन सुपीरियर जो ये ह्यूमन सुपीरियर है डिटरमाइंड ह्यूमन सुपीरियर ये कहते हैं कि हर एक सोसाइटी में हर एक पॉलिटिकल कम्युनिटी में एक डिटरमाइंड ह्यूमन सुपीरियर होता है बाकी जो जनरल इन्फीरियर लोग होते हैं जिन्हें जनरल पब्लिक कहते हैं और ये लॉ मेकर होता है ये एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ पीपल्स भी हो सकता है ओके ये ध्यान रखना है आपको तो ये लॉ मेकर हो गया हम थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं जॉन ऑस्टिन को तो पहले इनका हम लॉ का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि जॉन ऑस्टिन का लॉ को लेकर क्या भी हुआ है ताकि थ्योरी जॉन ऑस्टिन की आपको थोड़ी सी और कॉम्प्रिहेंसिव वे पे समझ में आए लॉ क्या है अकॉर्डिंग टू जॉन ऑस्टिन लॉ इज द कमांड ऑफ द सवरिन बैग्ड बाय ए सैंक्शन इस तरीके से डिफाइन किया इन्होंने अब इसमें तीन की टर्म्स आते हैं कमांड सवरिन एंड सैंक्शंस हम इन तीनों को डिटेल में समझते हैं तो लॉ क्या है कमांड है सवरिन का कमांड क्या है एक तरीके से डिज़ायर जो ये अथॉरिटी है जो सवरिन है जो सुपीरियर पर्सन है डिटरमाइंड पर्सन है इसकी डिज़ायर या इसके द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शंस कमांड हो गए तो कमांड एक्सप्रेशन ऑफ द डिजायर गिवन बाय द सुपीरियर टू इन्फीरियर तो यहां पर ये सुपीरियर कौन है सवरीन अथॉरिटी इन्फीरियर कौन है जनरल पब्लिक तो लॉ क्या हो गया कमांड या लॉ किसके द्वारा बनाया गया इस सवरीन पावर के द्वारा जो सुप्रीम अथॉरिटी है जो सुपीरियर है और ये किसके लिए इशू किया गया जो इंफीरियर है मतलब जो जनरल पब्लिक है जो पीपल्स ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी है यहाँ पे सवरिन का क्या मतलब है एनी पर्सन एक सिंगल पर्सन भी हो सकता है या बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है जिसको बल्क ऑफ अ पॉलिटिकल सोसाइटी के लोग हैबिचली ओबे करते हैं मतलब बाय हैबिट ओबे कर रहे हैं वो उसको सैंक्शंस यहाँ पर क्या है इंस्ट्रूमेंट ऑफ कोहर्सन कि अगर वो हैविचुअली ओबे नहीं करेंगे या कमांड्स हैं जो सुपीरियर के उसको फॉलो नहीं करेंगे ओबे नहीं करेंगे तो फोर्स का इस्तेमाल हो सकता है इनके खिलाफ तो सेंक्शन भी है सो लॉ इज़ अ कमांड ऑफ द सवरिन बैग्ड बाई सेंक्शन तो ये डेफिनेशन समझ में आ गई लॉ की क्या है और इसी पे बेस्ड है जो थ्यूरी ऑफ सवरानिटी है जॉन ऑस्टिन की तो जॉन ऑस्टिन कहते हैं कि हर एक स्टेट में एग्जिस्ट एन अथॉरिटी जिसको लार्ज मास ऑफ द सिटीजंस कंप्लायंस शो करते हैं ओबे हैबिचुअल ओबे करते हैं ओबेड करते हैं राइट एंड दिस अथॉरिटी इज ऑब्सल्यूट अनलिमिटेड एंड इनडिविजिबल राइट ये समझ में आ रहा है आपको ऑप्सल्यूट है राइट सुप्रीम पावर है उसके पास अनलिमिटेड है वो कोई भी कमांड दे सकता है इनडिविजिबल है किसी और के साथ शेयर नहीं होती है ये पावर राइट right? अगर डिवाइड करोगे तो डिस्ट्रक्शन होगा इसका जॉन ऑस्टिन कहते हैं तो जॉन ऑस्टिन की जब हमने लॉ का कॉन्सेप्ट पढ़ा सवरानिटी की बेसिक डेफिनेशन ली तो इससे मेन कैरेक्टरिस्टिक या मेन पॉइंट्स निकल कर के आते हैं पहला पॉइंट निकल कर आता है जॉन ऑस्टिन की मोनिस्टिक थ्योरी में कि सवरिन पावर इज़ एसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी क्यों क्योंकि लॉ मेकिंग करेगा ना वो लॉ का इन्फोर्समेंट करेगा और जो लॉ को ब्रेक करेंगे उन्हें पनिशमेंट मिलेगी तो सवरिन पावर जो ये डिटर्मिनेट ह्यूमन सुपीरियर है एसेंशियल है्यूमन हर एक पॉलिटिकल सोसाइटी के लिए ताकि जो जो इन्फीरियर पीपल्स हैं जो बल्क या लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सोसाइटी है उनको गाइड किया जा सके राइट right? तो सवरीन पावर इज एसेंशियल इन एवरी पॉलिटिकल सोसाइटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये निकल कर आया सवरीन इज अ पर्सन और अ बॉडी ऑफ पर्सन हमने ये भी देख लिया कि जो सवरीन या सुप्रीम अथॉरिटी है ये सुपीरियर है ये एक पर्सन भी हो सकता है बॉडी ऑफ पर्सन भी हो सकता है दूसरा पॉइंट निकल कर आया ये तीसरा सर्वरिंग पावर इज इनडिविजिबल मतलब किसी और के साथ शेयर नहीं की जा सकती है किसी और के साथ डिवाइड नहीं किया जा सकता जैसे प्लूरलिस्टिक थ्यूरिया जब हम पढ़ेंगे देखेंगे कि मल्टीपल एसोसिएशन के बीच में शेयरिंग ऑफ पावर है एक सिंपल से एग्जाम्पल मैं दिखा दूँ बताऊँ आपको अगर तो फेडरल सिस्टम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है पावर का डिवीज़न या शेयरिंग ऑफ पावर होता है ना जो यूनियन गवर्नमेंट होती है और जो फेडरल गवर्नमेंट्स होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं जैसे इंडिया में भारत सरकार जो इंडियन गवर्नमेंट्स हैं एंड द स्टेट गवर्नमेंट्स जो हैं तो उनके बीच में पावर डिवीज़न एंड शेयरिंग होता है बट जो मोनिस्टिक थ्योरी है जिसमें हम ऑस्टिन को पढ़ रहे हैं पर्टिकुलरली उसमें ये पावर इनडिविजिबल है किसी के साथ शेयर नहीं होती सिंगल सोर्स ऑफ अथॉरिटी है एंड फर्दर नेक्स्ट पॉइंट निकल कर आता है जो ये कमांड्स ऑफ द सवरिन है ओके okay, जिसको हम पढ़ रहे थे ना कि कमांड्स ऑफ द सवरिन बैक्ड बाई द सैंक्शन तो ये कमांड ऑफ सवरिन अनकोश्चिनेबल हैं इनको सही गलत है ये है अनजस्टिस है इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता कौन नहीं कर सकता जो मासेस हैं जो पॉलिटिकल सोसाइटी के पीपल्स हैं जो सिटीजन्स हैं दे कैन नॉट क्वेश्चन द कमांड्स ऑफ द अवरिन अथॉरिटी राइट तो अनकोश्चनेबल पावर हो गई ये क्योंकि ये डिसीजन एक सुपीरियर पर्सन के द्वारा लिए जा रहे हैं तो जो इन्फीरियर पर्सन हैं जनरल पब्लिक उन्हें इसे हैबिचुअली ओबे करना होगा तो ये क्वेश्चन तो अब हम देखते हैं कि इतनी सारी चीज़ें आपकी उसमें आपने जब पढ़ रहे होंगे ये सब चीज़ें तो एक थॉट आ रहा होगा ना कि ये कितना इम है कितना अनरियलिस्टिक है कि भाई उसके कमांड को जो सव्रीन है सुप्रीम अथॉरिटी है उसकी पावर को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते और सबसे इम्पोर्टेंट कि भाई क्वेश्चन ही नहीं कर सकते हम कि भाई आप गलत कर रहे हो जो मर्जी वो कर सकता है क्या जो रूलर है या जो अथॉरिटी है जो ये स्टेट आप जिसे क्या वो कहो ये जो सब सव, जो सवरानिटी का हम सवरीन पर्सन की बात कर रहे हैं तो क्या कुछ भी डिसीजन लग, ले सकता है ऐसा तो नहीं हो सकता कितना इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट लगता है मॉनिस्टिक थ्योरी तो मोनिस्टिक थ्योरी का जो ये कॉन्सेप्ट था आपका ओके ये डोमिनेटेड था वर्ल्ड वॉर टू तक वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप देखेंगे कि इसमें वर्ल्ड वॉर टू के बाद जब इमरजेंस होते हैं नए नए कॉन्सेप्ट जैसे कि रीजनल गवर्नेंस का या सुप्रानेशनल नेशनल इंस्टीट्यूशन जैसे कि यूरोपियन यूनियन हो गया ओके या जो नॉन स्टेट एक्टर्स हो गए सिविल सोसाइटीज़ एन इस तरीके के इंस्टीट्यूशंस का जब इमरजेंस होता है तो आप देखोगे कि इसका इम्पैक्ट हर एक चीज़ पर पड़ेगा ऐसी सिचुएशन पे जो मोनिस्टिक थ्योरी है जिसको हम अभी तक पढ़ रहे थे समझ रहे थे आउटडेटेड अप्योर्ड होने लगी और इसमें मॉडिफिकेशन की जरूरत पड़ी भाई हर एक थ्योरी एक पर्टिकुलर टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग रेलेवेंट लगती है लेकिन आज के टाइम पे जब हम आप इसे पढ़ रहे हैं अभी तक हमने जब मोनिस्टिक थ्योरी पढ़ा तो जो थॉट आया हमारे आ, हमारे दिमाग में कि भाई ये कितना इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक है तो ये इसलिए आया क्योंकि हम लोग दूसरे टाइम एंड स्पेस में बिलोंग कर रहे हैं जहां पर ये थ्योरी आउटडेटेड लग रही है ओके तो यहां पर हमें लगेगा ये बकवास है नॉन है तो वो उस टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग हो सकते हैं रेलिवेंट हो बट आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब सिचुएशन चेंज होती है रीजनल गवर्नेंस इस्टेब्लिश होती हैं सुपरनेशनल इंस्टीट्यूशंस इमर्जेंस होते हैं तो ये मोनिस्टिक थ्योरी आउटडेटेड होती है तो जब आउटडेटेड होगी तो सिंपल सी बात है क्रिटिसिज्म शुरू होगा और इसके मॉडिफिकेशन होंगे और इस तरीके से पोलिस्टिक जो प्लूरलिस्टिक थ्योरी है सवरानिटी की वो इमर्ज होती है तो हम थोड़े से क्रिटिसिज्म देख लेते हैं राइट तो यहाँ पर पहला है सर हेनरी मैन का जो कहते हैं कि इस तरीके से तो सवरिन कुछ भी कमांड दे सकता है ये कितना इम्प्रैक्टिकल और अनरियलिस्टिक अंरे, है लास्की ने सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किया है और लास्की कहते हैं कि भाई इस तरीके की जो ऑब्सल्यूट पावर अनलिमिटेड पावर अनडिवाइडेड पावर कहीं एग्जिस्ट नहीं करती है और अगर एग्जिस्ट करने की कोशिश की जाती है बनाने की कोशिश की जाती है तो उसके अगेंस्ट में लोग बोलते हैं और इस तरीके से कुछ सेफ बनाए जाते हैं सेफ कैसे कि भाई इस तरीके से तो जो सवरिन है जो सुप्रीम अथॉरिटी है वो अपनी पावर को मिसयूज़ करना शुरू कर देगा लोगों के खिलाफ तो कुछ तो सेफ़ गार्ड होने चाहिए ना ताकि लोगों की लिबर्टी लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग लास्ट की कहते हैं कि जब फेडरल सिस्टम इमर्ज हो रहा है फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो शेयरिंग ऑफ पावर या डिवीजन ऑफ पावर पे ही बेस्ड है तो यहाँ पर ये लागू नहीं होता ओके एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग जो लॉ है वो कस्टम एंड ट्रेडिशन से भी लिमिटेड होते हैं ऐसा नहीं है कि जो ये सवरिन है ओके okay, उसकी डिज़ायर्स या उसकी कमांड्स पर निर्भर करते हैं लॉ जैसा कि जॉन ऑस्टिन कह रहे हैं जो ये लॉज हैं बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं जिनसे प्रभावित होते हैं जैसे लोगों के जो ट्रेडिशन एंड कस्टम्स इतने सालों से चले आ रहे हैं उन पर भी बेस्ड होते हैं लॉ जैसे आप देख लो इंडिया में बहुत सारे लॉ जैसे कि चाहे वो मैरिज लॉ हो चाहे वो डाइवोर्स लॉ हो चाहे वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड लॉज हों बहुत सारी चीज़ें कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पर बेस्ड हैं और इसीलिए इंडिया में अभी तक जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है अभी तक नहीं लाया जा सका क्योंकि इंडिया में डाइवर्सिटी है मल्टीपल रिलीजन है मल्टीपल एथनीसिटी है और उनके अपने लोकल जो कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस हैं तो ऐसी सिचुएशन में यूनिफॉर्म सिविल कोड को इस्टेब्लिश करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा है मुझे बताइएगा कि जो डी है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसके किस आर्टिकल में यूनिफॉर्म सिविल कोड मेंशन है मुझे आर्टिकल कमेंट करके बताइएगा ओके okay? तो जो लॉ हैं जो क्रिटिक्स हैं वो कह रहे हैं कि लॉ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन पर भी डिपेंडेंट होते हैं तो ऐसा नहीं है कि ये जो कमांड्स या हैं सबरी के वो अनकोश्चनेबल हो जाएंगे लोग क्वेश्चन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ कस्टम्स एंड ट्रेडिशन अगर उनको वायलेट करेगा तो ओके तो इस तरीके से आ, आप क्रिटिसिज्म लिख सकते हो मोनेस्टिक थ्यूरी के ओके तो ये था मोनेस्टिक थ्यूरी के बारे में डिटेल्ड लेक्चर जहाँ पर हमने पढ़ा कि बेसिक टेनेंट्स क्या हैं फिर हमने थॉमस हॉब्स और जॉन ऑस्टिन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी डिस्कस किया एंड देन हमने डिस्कस किया क्रिटिसिज्म काफ़ी डिटेल में और इस तरीके से ये कंप्लीट लेक्चर्स बन जाता है यहाँ पर मोनिस्टिक थ्योरी का तो कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ लेना और बाकी आज का ये सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कमेंट में एंड पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा गाइस प्लीज़ इट्स अ हम्बर रिक्वेस्ट अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इस तरीके से आप मुझे सपोर्ट करेंगे और मोटिवेट करेंगे फर्दर इस जर्नी को कंटिन्यू करने के लिए एंड नेक्स्ट थ्योरी हम कोशिश करेंगे कि प्लूरलिस्टिक थ्योरी को एज सुन एज पॉसिबल हम लोग इसे कवर करें एंड यस दिस इज़ ऑल फॉर टुडे गाइस थैंक्स फॉर वाचिंग थैंक्स फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट जो मुझे आप ऑलरेडी दे रहे हैं आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट एंड यस सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर बाय टेक केयर कीप लर्निंग कीप एक्सप्लोरिंग